हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मखाने मटर की सब्जी, जो बिना ही क्रीम का, बिना मावा का, बहुत ज़्यादा ही और ना ही पनीर, और बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट जैसा, क्या उससे भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिए। तो आप शादी ब्याह में खाए होंगे, लेकिन इतना नहीं अच्छा लगेगा जितना इस तरह से आप बना कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये बाउल है ना, इतना हम मखाना ले लिए हैं। ये देखिए, कढ़ाई रख दिए हैं गैस जला कर, और 2 चम्मच तेल डाले हैं। इसमें हम मखाना डाल देते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम ऐसे ही डाल देंगे ना, तो बहुत गीला गीला सा होगा, अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा इसको हम इस तरह भून लेंगे, तो बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। अब भून लिए हैं, तो गैस को हम बंद कर दिए हैं और निकाल लेते हैं इसको। और ये देखिए फ्रेंड्स, 2 तेज़पत्ता है, काली मिर्च, लौंग, 1 छोटी इलायची, दालचीनी ले लिए हैं। और इधर कढ़ाई में हम तेल डाल दिए हैं, तो सब मसालों को हम डाल देंगे इसमें। तो खड़े मसाले डालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये 1/2 चम्मच जीरा, अब इसमें हम डालेंगे प्याज, जो 3 प्याज है छोटे छोटे हम काट लिए हैं, तो उसको हम डाल देते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है प्याज का। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक है, इसको डाल देते हैं, ग्रेट किए थे। और हरा मिर्चा है 3 हरा मिर्चा काटे हैं, तो आप तीखा कम ज़्यादा अपने पसंद का कर सकते हैं। तो सब इसमें हम डाल के इस तरह से चलाएंगे। अब इसको हम भून लिए हैं, तो अब हम डालेंगे 8 से 10 काजू। डालने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे फ्रेंड्स। तो ये 3 टमाटर है, इसको डाल लेते हैं। बहुत टेस्टी लगेगी फ्रेंड्स, इस तरह सब्जी आप बनाकर खाकर देखिए। इसमें घर के ही चीज़ों से बनेगा, ना इसमें क्रीम डालना पड़ेगा, ना ही कोई मावा। बहुत टेस्टी बनेगी, बिल्कुल होटल जैसा सब्जी बनेगा घर पे ही। तो इसको हम इस तरह से चलाएंगे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए टमाटर। अब इसको हम लिड लगा देंगे कि अच्छी तरह गल जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, गल गया है टमाटर। तो इसको हम आधा निकालेंगे इसमें से, और आप पूरा वीडियो देखिए अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि इसका हम क्या करेंगे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। ये देखिए, आधे हम निकाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए, 1 कटोरी में थोड़ा कम हरा मटर डाल रहे हैं। तो ये पैकेट वाला है मटर हम डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हम निकाले हैं आधा ना, इसको हम ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के बाद ग्राइंड करना है छोटे वाले जार में। तो इसको ठंडा करने के बाद ही ग्राइंड करेंगे, तो बहुत अच्छा, बिल्कुल क्रीमी जैसा आएगा इसका टेक्सचर, जैसे आप देखे हैं रेस्टोरेंट में खाए हैं या शादी ब्याह में, बिल्कुल वैसा ही बनेगा घर पर, बहुत टेस्टी बनेगा फ्रेंड्स। तो इसको अभी हम ग्राइंड करते हैं ठंडा करके। देखिए फ्रेंड्स, हम जो आधा निकाल लिए थे ना, तो इसको ग्राइंड, तो मिक्सर जार में ग्राइंड कर रहे थे तो लाइट चली गई, तो सिलौड़ा से ही हम पीस लिए हैं। तो ये देखिए, इसमें हम डाल देंगे, इसमें पानी डाल के थोड़ा सा डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्चा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, तो 2 चम्मच गरम मसाला डाले हैं, स्वाद अनुसार नमक। सब इसको अच्छी तरह से भुनेंगे मसाले को,
और ये देखिए 5 मिनट हो गया है, मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो मखाना पानी सोखता है ना, तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब इसको हम लीड लगा देंगे कि ग्रेवी पक जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह ग्रेवी पक रहा है। तो ये देखिए, और अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें हम कस्तूरी मेथी डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा हम कस्तूरी मेथी डाल दिए हैं। अब इसमें हम मखाने का लवा डालेंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। और इसमें अब हम डालेंगे घर का फ्रेश मलाई है, तो 2 चम्मच डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हम क्रीम नहीं डाल रहे हैं, घर का फ्रेश मलाई डाल रहे हैं, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बिल्कुल तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे, बस। गैस को हम बंद कर देते हैं और निकाल लेते हैं हम। और ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बिल्कुल तैयार है, मखाने मटर की। कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना, सच मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स, आप घर पर ही होटल जैसा, रेस्टोरेंट जैसा, शादी ब्याह में जैसे भी बनता है, आपको उससे भी कहीं ज़्यादा घर पर इस तरह से बना सकते हैं, घर के ही सामानों से। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ा सा भी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।